तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जो हमारे पास है बेटा वो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है हमारा मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के बीच में, काफी अच्छा डिफरेंस है ये भी। मुद्रा बाजार क्या होता है और पूंजी बाजार क्या होता है, यानी मनी मार्केट और दूसरा हमारा है कैपिटल मार्केट। क्लियर है, स्टार्ट करें। चलो सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। तो मुद्रा बाजार से अभिप्राय ऐसे बाजार से है जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों में, यानी जो शॉर्ट टर्म जो सिक्योरिटीज होती है उसमें लेन देन किया जाता है। तो मुद्रा बाजार वो बाजार होता है जिसमें अल्पकालीन, यानी जो शॉर्ट टर्म जो होती है सिक्योरिटीज, उसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों में लेन देन किया जाता है। जबकि जो पूंजी बाजार होता है उसका अभिप्राय ऐसे बाजार से है जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में, किसमें दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म प्रतिभूतियों में लेन देन किया जाता है। तो बात को ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार होता है जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों में लेन देन किया जाता है, जबकि पूंजी बाजार एक ऐसा बाजार होता है जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में लेन देन किया जाता है। डन। पॉइंट नंबर टू, अवधि, यानी समय की अगर हम बात करें तो इनकी अवधि एक दिन से लेकर के एक वर्ष तक की होती है या हो सकती है। यानी कोई आपको आपने देखा होगा 1 से 15 दिन का होता है, कोई 14 दिन का हो सकता है, कोई आपका आपने पढ़ा था कि 182 दिन के आसपास का हो सकता है, कोई 364 दिन का हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे चलता है, 90 डेज का हो सकता है ना, तो ऐसे यहाँ पे देखने को मिलता है। जबकि इनकी अवधि जो होती है वो एक वर्ष से अधिक की होती है। ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड, जोखिम, इसके अंतर्गत जोखिम जो होता है वो कम होता है, यानी रिस्क है वो कम होता है, बट यहाँ पे जो जोखिम होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर हो गया। तरलता की अगर हम बात करें तो पूंजी बाजार के मुकाबले, यानी इस बाजार के मुकाबले इसमें तरलता क्या होती है, अधिक होती है। तरलता क्या होती है, अधिक होती है। जबकि मुद्रा बाजार के मुकाबले, यानी इसके मुकाबले यहाँ पे जो तरलता है वो क्या होती है, कम होती है। तो तीन पॉइंट प्लीज ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, मुद्रा बाजार से अभिप्राय ऐसे बाजार से है जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों में लेन देन किया जाता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए वीडियो के अंदर ही, अलग से आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जबकि पूंजी बाजार से अभिप्राय ऐसे बाजार से होता है जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में क्या किया जाता है, लेन देन किया जाता है। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है वो वीडियो को पॉज करते हैं, कंटेंट लिखते हैं, कहते हैं बातें पढ़ लेंगे, कभी याद नहीं होगा। वीडियो के साथ ही जितनी बार मैं रिपीट कर रहा हूं उतनी बार अगर आप सुनते हो तो वो आपको और बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, और हो सकता है कि आपको बाद में दोबारा वो याद करने की जरूरत ना भी पड़े, और अगर पढ़ भी लिया है तो बेटा सिर्फ देखने की जरूरत पड़ेगी, हल्का से रीड आउट करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए पूरी बात जितनी बार मैं रिपीट करूं उतनी बार सुनो, मैं बोल कह रहा हूं, ठीक है ना। इनकी अवधि एक दिन से लेकर के एक वर्ष तक की हो सकती है, जबकि इनकी अवधि जो होती है वो एक वर्ष से अधिक की होती है। ठीक है ना। जोखिम, इसके अंतर्गत कम जोखिम होता है, इसके अंतर्गत अधिक जोखिम होता है। क्लियर। उसके बाद तरलता की बात करें तो इसमें अधिक तरलता देखने को मिलती है, इसमें कम तरलता देखने को मिलती है। संभावित आय, जो आय या प्रतिफल की अगर हम बात करें तो मुद्रा बाजार के जो प्रपत्र होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्रपत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं मुद्रा बाजार के, वो प्राय कम आय अर्जित करने वाले होते हैं। यानी इसमें जो प्रतिफल मिलता है, जो रिटर्न मिलता है, वो क्या मिलता है, वो कम मिलता है। यानी अगर यहां अगर आप पैसा लगाते हो तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो क्या मिलता है, यहाँ पर रिटर्न आपको कम मिलता है। क्लियर हो गया। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें पूंजी बाजार के जो प्रपत्र होते हैं, यानी जो कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें जो आपको आय मिलती है, क्या मिलती है, अधिक आय अर्जित करने वाले होते हैं। तो ये कम आय अर्जित करने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं या अधिक आय अर्जित करने वाले, यहाँ पे आपको आय ज्यादा मिलती है अगर यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हो तो। ठीक है ना। क्योंकि एक तो टाइम पीरियड ज्यादा है और यहाँ पे मिलता भी ज्यादा आपको। ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो 5 पॉइंट आपके हो गए यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। लेन देन किए जाने वाले प्रपत्र, यानी जो लेन देन जिनमें व्यवहार किया जा रहा है, वो प्रपत्र कैसे होंगे, वो इंस्ट्रूमेंट कैसे होंगे। तो आपने, मैंने ये वीडियो में भी पढ़ाए थे, जो आप जो उसकी क्लास चल रही है, जैसे पार्ट नंबर थर्ड है, तो पार्ट नंबर सेकंड में मैंने आपको इनके बारे में बताया हुआ है। ठीक है ना। कि इसके जो प्रपत्र होते हैं, जो उसमें डील किए जाते हैं, किस क्या क्या पढ़ा जाता है इसमें, खजाना बिल होता है, ठीक है, और दूसरा क्या है, जमा या बचत प्रमाण पत्र होता है, मांग मुद्रा होता है, वाणिज्यिक बिल होता है, और वाणिज्यिक पेपर कह लो या पत्र कह लो, ठीक है ना, ये होता है। तो क्या क्या होता है इसके अंदर, जो लेन देन किए जाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेगा, खजाना बिल यानी ट्रेजरी बिल, टी बिल, जमा या बचत प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट,
मांग मुद्रा कॉल मनी या कॉल लोन की यहाँ पे बात होती है, वाणिज्यिक बिल यानी कॉमर्शियल बिल की बात होती है, और कॉमर्शियल पेपर यानी वाणिज्यिक पेपर की बात होगी। क्लियर हो गया। जबकि यहाँ पे जो डील होते हैं ना, जो इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो मिलता है आपको समता अंश यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंशियल कैपिटल, ऋण पत्र यानी जैसे लोन इंस्ट्रूमेंट यानी डिबेंचर की बात कर लो तो डिबेंचर की बात कर रहा है, ठीक है ना। चलो उसके बाद वित्तीय आवश्यकता, तो यह अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। किसको करता है? अल्पकालीन छोटे टाइम पीरियड के जो वित्तीय आवश्यकता होती है उनको ये पूरा करता है, जबकि दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को क्या करता है? पूरा करता है। तो मैंने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये चार पॉइंट मैंने आपको रिपीट कर दिए थे। अगले तीन पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले मैंने बोला संभावित आय, तो इसमें इस बाजार में जो जो बाजार के प्रपत्र होते हैं, मुद्रा बाजार के जो प्रपत्र है यानी इंस्ट्रूमेंट है, वो प्राय कम आय अर्जित करने वाले होते हैं, जबकि यहाँ पे पूंजी बाजार के जो प्रपत्र होते हैं वो अधिक आय अर्जित करने वाले होते हैं। हमेशा होता है ना, यहाँ पे टाइम पीरियड ज्यादा है तो आय भी ज्यादा होगा, और जहां पे जोखिम ज्यादा होता है वहां पे आय भी क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है ना। चलो उसके लेन देन किए जाने वाले प्रपत्र यानी किन क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी, किनमें यहाँ पे डील किया जाता है, तो खजाना बिल यानी ट्रेजरी बिल हो सकता है, जमा या बचत प्रमाण पत्र जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट सीडी, उसके अलावा मांग मुद्रा या जो अल्पकालीन ऋण होते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि तुम्हारा ये मांग मुद्रा मतलब कॉल मनी बोल लो या कॉल लोन बोल लो, ठीक है। जैसे कॉल लोन का जो एक नाम और है वो मैं आपको बताता हूँ, अल्प सूचना ऋण, यहाँ पे इसका नाम एक और है अल्प सूचना ऋण, ठीक है ना, वो भी यहाँ पे आता है। उसके अलावा वाणिज्यिक बिल हो गया, कॉमर्शियल बिल हो गया, कॉमर्शियल पेपर हो गया आदि। यहाँ पे समतांश यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, पूर्वाधिकांश यानी पूर्वाधिकार अंश मतलब प्रेफरेंशियल कैपिटल, और ऋण पत्र यानी डिबेंचर लोन इंस्ट्रूमेंट आपका होता है, ठीक है ना। उसके बाद वित्तीय आवश्यकता, तो ये अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है, जबकि ये दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। यहां तक समझ में आ गया सबको? एक और पॉइंट देख लीजिए, मैंने इतने पॉइंट आपको दे दिए कि अगर आप कोई से भी पांच पॉइंट पढ़ोगे तो काफी होता है, सफिशियंट है पांच छह पॉइंट, ठीक है ना। सहभागी, सहभागी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सहभागी यानी जो इस चीज में काम डील करने में मदद करेगा आपकी, वो क्या आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई आ जाएगा, वित्तीय संस्थाएं आ जाएगी यहाँ पे, वित्तीय कंपनी आ जाएगी यानी पैसों से रिलेटेड सारे बंदे यहाँ पे आ रहे हैं आदि, इसके मुख्य भागीदार है। जबकि यहाँ पे वित्तीय संस्थाएं पैसों से रिलेटेड, बीमा कंपनियां जितनी भी होती है इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो भी यही आएगी, विदेशी निवेशक भी यही आएंगे, ठीक है ना, कॉमा साधारण जनता भी यही आएगी, नॉर्मल कोई कंपनी होगी वो भी यही आएगी, ठीक है, क्योंकि शेयर तो कोई भी इशू कर सकता है ना, तो नॉर्मल कंपनी है, साधारण जनता है, विदेशी निवेशक है, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां, ये इसके क्या होते हैं? भागीदार होते हैं। तो इसमें जो भागीदार बनेंगे आदमी सिर्फ वही बनेंगे जो पैसों से रिलेटेड होंगे, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, वित्तीय संस्थाएं और वित्तीय कंपनियां जो पैसों से रिलेटेड वही आएंगे। यहाँ पे तो पैसे वाली और बिना पैसे वाली सारे यहीं पे आएंगे, जैसे नॉर्मल कंपनी भी होगी, ठीक है, जैसे रिलायंस ये सब है ना, टाटा, वो भी यहाँ पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो साधारण जनता है वो भी यहाँ पे आ रही है, विदेशी निवेशक है वो भी यहाँ पे आ रहा है, तो ये यहाँ पे मुख्य भागीदार इनके ही होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पार्ट भी मैं यहीं पे खत्म कर देता हूँ, पार्ट नंबर थर्ड भी आपका खत्म हो चुका है, पार्ट नंबर वन टू थ्री तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, होप सो आपको समझ में आ भी रहा होगा जहां तक है। डन, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।